वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो होने वाली है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू योर आई मेकअप लुक। बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप अपना ये लुक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फेस पर बेस कर लिया है ताकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइस का दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी आइस डन करिएगा, क्योंकि कोई भी फॉल आउट होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके बेस में लग जाता है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैंने इनसाइड का कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा आपकी आइस पर। एंड यहाँ पर मैंने उसको स्पॉन्ज की हेल्प से सेट कर लिया है। अब बारी आती है कि हम कंसीलर क्यों लगाते हैं अपनी आईलिड पर, ताकि हमारे जो आई शेडोज हैं, जो हमारे कलर हैं आई शेडो के, वो काफ़ी अच्छे से पॉपअप होके आए, नीट एंड क्लीन लगे। इसलिए हमारा आईज पर कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने मार्स का आई शेडो पैलेट लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये एंड काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स हैं, शिमरी, ग्लिटरी, न्यूट्रल शेड एंड डार्क शेड सब हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्राउन शेड, जो कि ना तो न्यूट्रल है ना कि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ये मीडियम ब्राउन है, काफ़ी अच्छा है ये कलर। तो इसलिए मैं इसको ही अपने पहले आउटर वी में डिपॉजिट कर रही हूँ एंड देन मैं उसको हल्के हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ मिड एरिया तक। मिड से मैं, आप चाहते हैं तो आगे तक भी लेके आ सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर फोकस अपने आउटर वी पे कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है एंड अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्लेंडिंग को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है ये थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क, मतलब कह सकते हो डार्क एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये वाला कलर, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी आउटर वी पे ही डिपॉजिट करूँगी एंड वहीं पर ही मैं उसको ब्लेंड करूँगी, स्मच करूँगी, मैं उसको अंदर तक नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डार्क डेप्थ चाहिए आउटर वी में, इसलिए मैं उसको सिर्फ और सिर्फ आउटर वी पे ही अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया है ये वाला शिमरी शेड, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा पिंक शिमरी शेड है एंड आप देख सकते हैं एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने एंड इनर वी पे, जो हमारा इनर कॉर्नर होता है वहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मिड लिड तक उसको लेके आ रही हूँ। दैट्स इट, आपको उसके ज़्यादा करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिड एरिया तक ही लेके आना है जो भी आप इनर कॉर्नर पे अपना शेड लगाएंगे, चाहे आप न्यूट्रल लगाएं, चाहे आप मैट लगाएं, चाहे आप शिमरी लगाएं, बस आपको मिड एरिया तक लेके आना है। अगर आप ग्लिटरी लगा रहे हैं, मिड एरिया तक हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे आईबॉल्स होती है तो काफ़ी अच्छा शिमर सा दिखता है। यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है सेम उसी ब्रश में एंड अपनी वाटर लाइन पे मैं उसको फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिया है हमने ग्लिटरी शेड जो कि पिंक है, बस मैं उसको मिड लिड पे लगा रही हूँ, मैं उसको ना इनर में ले रही हूँ ना मैं आउटर में ले रही हूँ। मिड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मिड तो मैं मिड लिड पे ही लगा रही हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आईज डन हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेने वाले हैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो प्लस आईलाइनर, तो ये काफ़ी अच्छा है जेल लाइनर, अगर आपको नहीं आता है तो आप लिक्विड लाइनर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जेल लाइनर लिया है, जो इस प्रोडक्ट में मेरे को ब्रश मिला था मैं उसी ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। काफ़ी प्रिसाइज ब्रिसल्स हैं इस ब्रश के, काफ़ी अच्छा शार्प है, तो इसलिए मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ एंड साथ ही साथ मैं काजल भी इसी लाइनर से अप्लाई करूँगी क्योंकि पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, स्काई हाई मस्कारा है, काफ़ी अच्छा कर्ल दे देता है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी क्रिएट कर देता है आपकी लैशेज पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉल्सेस अप्लाई करी है, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, इससे आपकी आईज़ का लुक और भी ज़्यादा पॉपअप होगा। इनर कॉर्नर पे मैंने सेम शिमरी शेड लिया है उसी आई शेडो पैलेट में से। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वाला स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप लुक? होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।